अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। दिलशान मिर्जा रजा इस वक्त घर पर मौजूद। 21:54 हो चुके, मतलब रात के 9:54 और 39 सेकंड हो चुके। तारीख तो जो है वो है 14 मई 2023, दिन जो है वो है संडे, जिसे इतवार कहते हैं। देख सकते हैं अंदर वाला रूम है। अल्हम्दुलिल्लाह दिलशान मिर्जा ऐसे लेके जेट का सब बात बताएंगा। देख सकते हैं जानवाज बिछा के गए थे, जानवाज बिछी हुई है, कोना भी मोड़ा हो फिलहाल, है ना। ये कुराने मुकद्दस है या मेरे सरकार का उसे पाक या मेरे परवरदिगार। क्योंकि दिलशान मिर्जा को अल्हम्दुलिल्लाह एक ही बात बताने की आदत है और ज़रूर बताएंगा, क्योंकि अपनी बीवी के मैटर से कदम भी लिए ही ना ही लेगा। क्योंकि बता चुका था कि 2:25 पे गेट के बाहर निकल चुका था कामटी जाने के लिए। कामटी जो है प्लाजा होते हुए कामटी जो है बिना रुके हुए कम से कम 12 किलोमीटर पैदल पैदल चल के गया। जो कामटी जो है जस्तम चौक पर अब्दुल्ला शाह नौसाई रहमत रिजवान की बालिका में जो है 4:45 पहुंच गया था। अंदर एंट्री कर चुका था, वजू वगैरह बनाया था। तो इसके बाद में 4:50 हो चुके थे, भी 10 मिनट बैठा दरगाह में। तो अजान हुई 5 बजे, तो भी नमाज वगैरह पढ़ा। तो भी नमाज पढ़ने के बाद में भी असर की नमाज वगैरह पढ़ के जो है 5:27 पर लगभग फारिग होने के बाद में दरगाह में था। पढ़ाई वगैरह किया, अमल वगैरह कर, अमल करने के बाद में मगरिब की अजान 6:49 पर हुई। मगरिब वगैरह की नमाज़ पढ़ने के बाद में अपनी बीवी के लिए दुआ किया, सलात व सलाम पेश किया। क्योंकि वहाँ से निकला तो वीडियो बना चुका था ना, तब भी मतलब बताना ज़रूरी है ना। वहाँ से जो है गेट के बाहर जब निकला, मैं 2 मिनट का वीडियो बना के, तो 7:45 हो रहे थे। 7:45 पे निकला तो 8:22 पे लगभग जस्तम चौक से लेके 3 किलोमीटर के फासले पर एक शख्स से मिला, जिन्होंने मुझे 8:22 पर इनकी गाड़ी में बैठा तो छोड़ दिए। अब 2-3 बार बोला सुनना भी ज़रूरी है। तो इन्होंने मुझे टिपू सुल्तान चौक के पहले जो रिंग रोड के आगे जो मदरसा दावत इस्लामी का, वहाँ पर 8:37 पे छोड़ दिया। 8:37 पे वहाँ उतरा और 8:47 पे जो है इस वक्त घर पर 8:47 पे घर पहुँच चुका था। 10 मिनट लगे आने के लिए, आने घर पहुँचने के लिए 1 घंटा 10 मिनट हो चुके इस वक्त। आपके सामने वो आया, 2 पैकेट बिस्किट पार्ले जी के लाया, लौंगी बीज का कट्टा लिया है ना, क्योंकि दिलशान मिर्जा को अल्हम्दुलिल्लाह एक एक बात बताने की आदत है। क्योंकि हंसी तो इस बात की आ रही, क्योंकि लोगों का अंजाम बुरा होने वाला है। हंसी इस बात की आ रही, लोगों पे हंसी आ रही है, क्योंकि बोले थे ना कि लोग हमने ये करके, इसीलिए बिस्किट वगैरह 2 पैकेट सुबह खाया था, 2 पैकेट। अब सोचिए ना, बताने फिर रिपीट कर दूंगा। जुम्मे के दिन जब आया था 3 टोस्ट ताजबाग में खाया था, रात में न्याज वगैरह राजाबाग सवार में खाया था। इसके बाद में कल दिन भर कुछ नहीं खाया, और अभी सुबह 2 पैकेट 5 बिस्किट खाया, अभी 2 पैकेट बिस्किट खाया, और बाथरूम वगैरह सफारी को वजू वगैरह बना, वजू बना के बैठो, पढ़ाई वगैरह ऐसे की नमाज बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह दिलशान मिर्जा को ऐसे लेके जेट तक बताना पड़ता, क्योंकि दिलशान मिर्जा ने कदम पीछे नहीं लिया है ना। कुरान मुकद्दस को सामने रख के बात करता है। अरे खैर, तो वो लोग मनाए जो गलत है, जो मेरी बीवी के साथ गलत किए थे, बोला हूँ ना मैंने, रूहानी तौर पे लोगों ने बोले थे ना कि हम नहीं है करके, है ना, बोले ना कि हम नहीं करके। मेरी बीवी को एक नाखून का धक्का भी अगर किसी ने लगाया है, बहुत गंदा खेल के लगाया ना, रूहानी तौर पे जिन जिन्नात खबीस और मुर्दों के जरिए से इनका नुकसान होगा। रोजगार वाले बेरोजगार होंगे, औलाद वाले बे औलाद होंगे, कारोबार वाले बेकारोबार होंगे, है ना। लाइलाज बीमारियों में कैंसर की, टीवी की, सूखी की, कोड़ की, सफेदी की बीमारी में मुब्तिला होंगे, यहाँ तक कि समय तो जिन जिन्नात उठा उठा के फेंकेंगे बिल्डिंगों में से, घर में से, तब क्या करेंगे। लोग बोलते ना कि बाहर के असरा जिन जिन्नात के असरा दुश्मन को भी नहीं लगना चाहिए, पर वो दुश्मनी, एक जो दुश्मनी होती है वो दुश्मनी कैसी होती पता है, गाली गुप्ता बकते हैं, मारपीट होती है ना, वो दुश्मनी है। यहाँ दुश्मनी की बात, यहाँ पर बहुत गंदा खेल खेला गया है। जीना कहते हैं ना, जैसी इस्लाम में जिना करना हराम करार दिया गया, जब तक एक मिकत, एक लड़का एक लड़की का जब तक निकाह ना हो जाए, ये हराम करार दिया गया है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई किसी का दिल अगर तोड़े बिना हिसाब किताब की जहन्नम में, जो जिना करवाए तो इसकी बख्शिश नहीं बिना हिसाब किताब की जहन्नम में। यहाँ तो वीडियो भी बनाए गए थे ना,
17 अगस्त दिन बुधवार 2022 सदर गड्डी गोदाम से अपहरण किडनैपबंदी का बंधक बनाया गया था। यहाँ तक कि एक हफ्ते के बाद में मैंने बुधवार के दिन 24 अगस्त को यशोदा नगर थाने में कंप्लेंट किया था, तो मिसिंग गुमशुदा गुमशुदगी का केस दर्ज किए थे, है ना। यहाँ तक कि 17 अगस्त 11 दिन बाद रात में इतवार संडे लग चुका था, है ना, संडे की रात लग चुकी थी। प्लाट नंबर 451 नियर बिलाल मस्जिद आसिफ राकी अब्दुल वहाब साकिब अब्दुल वहाब जो 5 भाई है इस समय घर पर मौजूद है। यहाँ पर मुझे सनद मिली थी, मैंने रात में 1:30 बजे आईडियो बनाया था। आसिफ और साकिब अब्दुल वहाब 2 भाई और मौजूद थे घर पर, 4 भाई थे, 1 भाई बिहार में मौजूद थे, इनकी बीवी और इनकी अम्मी और आकिब अब्दुल वहाब। यहाँ तक कि आईडियो बनाने के बाद में पुलिस वालों को बुलाया था मैंने, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार नहीं 4 बार पुलिस वाले आए थे 2-4-5 दिन के लगभग हफ्ता भर में। पहली बार बुलाया घर दिखाया, दूसरी बार बुलाया घर दिखाया, तीसरी बार किसी और ने कंट्रोल रूम को कॉल किया था, इस समय घर नहीं दिखा। मुझ पर डाउट किया तो मैंने अपना मोबाइल दिखा दिया था, देखिए मोबाइल प्लाट नंबर 451 वालों ने बोले थे मैं प्लाट नंबर 452 में रहता हूँ। यहाँ तक कि चौथी बार मैंने बुलाया था पुलिस वालों को, मैं सामने नहीं आया था क्योंकि मेरे को पता था ना, है ना, एक एक के घर में रखा जाता था, एक एक के घर में गंदा खेल खेला गया। यहाँ तक कि सितंबर 2022 को आईडीओ बनाने की हफ्ता भर बाद कुछ दिन बाद प्लाट नंबर 451 की खिड़की से मकान की खिड़की से वीडियो बनाया था, जिस समय मैं बीवी के साथ 376-377 जैसे काम किए जा रहे थे, आंखों में आंसू थे, जुबान पे एक ही लफ्ज था, हम इस्लाम को फॉलो करते ना, अल्लाह को मानते ना, तो मेरे अल्लाह दिलसाद को भेज दिए, दिलसाद मुझे बचाओ, आप और हम जिस मुँह से अनस खाते खाना खाते जवान को नापाक किया जा रहा था। दिलसाद मिर्जा ने कदम कहीं से पीछे नहीं लिया है, दिलसाद मिर्जा को क्या नहीं पता है, है ना, आप जिसको पागल बोले थे आज पूरा शहर के दोनों नंबर के काम बंद करवा के रखा है। बोले थे ना थाने में जाते थे लोग दारू पीता गांजा पीता, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इतना बदनाम किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह दिलसाद सब चीज़ें चिड़ते, दारू गांजा जुआ सट्टा अफीम चरक ड्रग्स करता पाउडर हीरोइन पूरे इंडिया ने हिंदुस्तान से नहीं भारत से नहीं उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण नागपुर से बंद किया जाए, है ना। आए वीडियो बनाने के बाद में पी आई विश्वनाथ चौहान जी को मैंने पहले बोल दिया था मैं आपको वीडियो बना के ला के दिखाऊंगा तब तो यकीन आएगा ना, मना कर दिए थे, क्यों मना किए थे, इनकी बेटी बहन भी बहू का बेटा नहीं था ना, अरे मेरी तो निके में है ना, अफवाह फैलाए थे ना डिवोर्स हो गया निका नहीं हुआ निके में नहीं है, किसने नहीं फैलाया था, कौन अपना कौन पराया कौन आया आगे, हाँ बदनाम किए थे ना लोगों ने, रंडी छिनाल वेशिया कोठेल धंधे वाली क्या नहीं बोल रहे थे, भूल गए क्या, हाँ। यहाँ तक कि ट्विटर अकाउंट 2021 का 2022 सितंबर में है को ब्लॉक किया गया, दूसरा ट्विटर अकाउंट 2023 जनवरी में बनाया, कहाँ लिया दिलसाद मिर्जा ने कदम, है ना, ऐसी दरगाहों पे पैदल तो ही जा रहा है जिन जिन्ना कभी सब मुर्दों के जरिए से काम करवाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह करवा रहा है लोगों को, पागल बोलने वालों को पागल बना नहीं दिया, तो दिलसाद मिर्जा रजा इस्माइली नाम नहीं मेरा, आखिर लोगों की सोच गलत है, लोग ये भूल गए कि जिसके साथ गलत किया गया गौ से पाकि दर का कुत्ता, जिसके साथ गलत किए लोगों ने मेरी बीवी के साथ वो गौ से पाकि दर की कुत्ती भी है और गौ से पाकि दर की बेटी भी है ना, लोग भूल चुके हैं, है ना, वो गौ से पाक जो वलियों के सरदार है जिनको कॉल ले, अगर मेरा मुरीद मगरिब में हो और मैं मशरिक में हूँ, मैं मुरीद मशरिक में हूँ मैं मगरिब में, अगर मुझे याद के तो वो आते हैं मदद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, इनका इनकी तो निगाह करम उस फकीर पे भी है और मेरी बीवी पर भी है, किसने अपने घरों में लाके पलंग के अंदर भर के नहीं रखे थे, किसका नाम लूँ, हाँ सगी बहने प्लाट नंबर 451 के फर्स्ट फ्लोर पे जो गुलशन जास पाक पे, प्लाट नंबर 453 के फर्स्ट फ्लोर पे सुल्तान से रानी से, हाँ कौसर जहाँ बेगम जो सिद्दीक खान की पहली घरवाली दूसरी घरवाली सिवाई चौक पे रहती है 5 साल हुआ अभी झोपड़ा जहाँ टूटा, क्या खुद की अम्मी अबू खैरून जहाँ बेगम मिर्जा शमशाद बेग ने साथ दिए, अरे कुरान का इनकार किए थे ना लोगों ने, किए थे ना कुरान का इनकार, हाँ पी आई विश्वनाथ चौहान जी को मैंने खुद बोला था, DCP सर के पास गया था क्योंकि थक गया इसके लिए सिरो वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पैदल चलना हर किसी के बस की बात नहीं है, है ना, पैदल चलना हर किसी के बस की बात नहीं है, है ना। यहाँ तक कि DCP सर के पास जब मैं गया था तो DCP सर को मैंने खुद बोला था, ये मेरी मुलाकात जो है ट्रैफिक पुलिस थाना मेट्रेनिंग दरबार के पास हुई थी, कई चक्कर लगाया था वर्धमान नगर के DCP सर ऑफिस के जोन कमांड पास में, मुलाकात नहीं होती थी। DCP सर ने PI विश्वनाथ चौहान जी को फ़ोन लगाया तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं कि ये अवराज सही नहीं है, हंसी आती है मुझे इस बात पे कि वर्दी होके सिंगल डबल ट्रिपल स्टार होके PI होके
है ना, किसने अधिकार दिया था इनको, किसने अधिकार दिया था किसकी बीवी और किसकी बहन बीवी के बारे में, मेरी बीवी के बारे में इतने अनशब्द यूज करने का। डीसीपी सर ने खुद बोले थे कि इनके पास वीडियो मौजूद है। इस समय जो डीसीपी थे वो तो अभी चेंज हो गए है ना, क्या नहीं खबर है दिलशान मिर्जा को। यहाँ था कि पी आई सुना चौहान जी ने डायरेक्ट मुझे बोले थे कि मैं वीडियो देखने से इनकार किए थे। नागपुर कमिश्नर अमितेश कुमार जी, पुलिस आयुक्त साहब, दिलशान मिर्जा थका है, ट्विटर पर बिखरा नहीं, अपनी बीवी के मेरे से कदम पीछे नहीं लेगा है ना। एक एक बात बताने की आदत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जीत हाँ को सच की होंगी वो पूरा इंडिया ने, हिंदुस्तानी पूरा भारत ने, उत्तर पूरा पश्चिम दक्षिण नागपुर देखेगा कि जीत किसकी होंगी है ना। प्लाट नंबर 451 वालों ने गंदा खेल खेलना, एक एक से गंदे काम खेलना। कौन आया दिलशान मिर्जा के सपोर्ट में? बीजेपी, शिवसेना, मनसे, कांग्रेस, बीएसपी, एमआईएम, पॉलिटिक्स वाले, किसको नहीं पता है। नागपुर सर इतना बड़ा कहाँ के नगर सेवक को नहीं पता था? बंटू तलवेकर, पूर्व नगर सेवक मंसूर खान, जो नगर सेवक इब्राहिम खान, कामिल अंसारी, कांदी का पुरुषोत्तम असलम खान मुल्ला, किसको नहीं पता है दिलशान मिर्जा थका हुआ है ना। कदम पीछे का हिस्से नहीं रहेगा, देख सकते कुरान मुकद्दस मौजूद है, कुरान मुकद्दस के ऊपर हाथ के बोल सकता है ना। दिलशान मिर्जा रात रात में जो पढ़ाई करता है ना, कोई नहीं बचेगा। जिन जिन्नात मर्दू खबीस और मुर्दों के जरिए से सभी का काम, तब तो बोलना ना, आना ना दिलशाद के कदमों में आके गिरना, कदमों में आके गिरना कि हम नहीं थे है ना। खुला चैलेंज, दिलशाद मिर्जा ने कदम पीछे नहीं लिया और ना ही लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह है ना। मैं सरकार को उसे पाकर करम, अस्सलाम वालेकुम।